हेलो फ्रेंड, फाइनली हमारे गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है। जैसे हमने हमारे वीडियो में आगे बताया था किस तरीके से चाइनीज ऐप ना सिर्फ हमारी प्राइवेसी को पर हमारे देश को खतरा रूप बने हुए थे, लिए आज हमारे देश के गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है। गवर्नमेंट हैज टेकन डिसीजन एंड बैन 59 ऐप फ्रॉम आवर कंट्री। एक्चुअली फ्रेंड, ये बात कब से चल रही थी, लोगों ने भी काफ़ी सारे प्राइवेसी के बारे में इश्यू उठाया गया था। हमने भी हमारे आगे के वीडियो में बात की थी किस तरीके से चाइनीज ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी मैंने पढ़ी थी और डाउट हुआ था कि ये हमारी कंट्री के लिए रियली खतरा रूप थे। तो आज जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वो रियली बहुत ही जरूरी और बहुत ही अच्छा डिसीजन है। तो फ्रेंड, हमारे लाइफ से चाइनीज सॉफ्टवेयर तो आउट हो गए हैं, नाउ इट इज़ अ टाइम टू डिलीट हार्डवेयर फ्रॉम आवर लाइफ। फ्रेंड, यहाँ पे मेरे वीडियो में मैं आपको पूरे वो 59 जो भी एप्स थे उसकी लिस्ट यहाँ पे दे रही हूँ जो हमारे देश को रियली खतरा रूप बने हुए थे और जो गवर्नमेंट ने बैन कर दिए है। तो फ्रेंड, आप देख लीजिए कौन कौन से ऐप है जो अब हमारे देश में बैन है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो फ्रेंड, नाउ वी शुड ट्राई टू कीप अवे द हार्डवेयर ऑफ द चाइनीज फ्रॉम आवर लाइफ। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।